महाराष्ट्र जी गिरीशेखर पुरस्कार इस समारोह के आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में पीएससी पीपल फॉर आर्ट सेंटर है, पीपल्स आर्ट सेंटर के सेक्रेटरी श्री कोप कुमार पिल्लई जी और इसके चेयरमैन श्री शेट्टी जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी अवार्डीज, आज जिनका सम्मान किया गया है, इसे सभी सम्मानित भाई और बहन और उपस्थित मित्रों, अब आप सबकी प्रशंसा तो अश्विनी खूब करती है, अश्विनी नाम क्या, खूब प्रशंसा करती है। मेरे पास अब शब्द नहीं किस पे आपकी प्रशंसा करूं, क्योंकि आप सब अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गज लोग हैं, शिखर पर पहुंचे लोग हैं, और शिखर भी पुरस्कार का नाम है गिरी शिखर है, यानी शिखर तो कहीं पर भी किसी की ऊंचाई पर पहुंचो तो शिखर ही कहलाता है, और गिरी के शिखर पर पहुंच के तो बहुत ऊंची बात है। और जो जो लोगों को यहाँ पर बुलाया, आपको सम्मानित किया गया, निश्चित रूप से नॉट ओनली महाराष्ट्र बट ऑल ऑफ द कंट्री शुड बी प्राउड ऑफ यू ऑल, पूरे देश को गर्व होना चाहिए। और सचमुच देश आप जैसे लोगों से ही बनता है, हर एक क्षेत्र में हम कभी कभी क्या करते हैं कि कुछ लोग देशों क्षेत्र में जाते हैं, विशेषता प्राप्त नहीं करते, परंतु कुछ लोग किसी विशेष क्षेत्र में जाते हैं, चाहे खेती का हो, बागवानी का हो, संगीत का हो, नृत्य का हो, और अनेक चीजें है, किसी इंजीनियरिंग का हो, डॉक्टरी पेशे का हो, किसी भी क्षेत्र में जा, या सामाजिक सेवा का हो, सामाजिक सेवा भी बड़ा क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में बहुत से लोग लगे रहते हैं, और सम पीपल सेट एग्जाम्पल फॉर देम, उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक उदाहरण स्वरूप बन जाते हैं, एक आइकन बन जाते हैं, और ऐसे जिन जिन क्षेत्रों का भी यहाँ पर वर्णन किया गया, हमारी संचालिका बोल रही थी, तो आप उस क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ हैं, सबने उस क्षेत्र में एक ऊंचा नाम कमाया है, आप सब ने प्रसिद्धि प्राप्त की है, और ये स्वाभाविक है। कभी कभी क्या लगता है, अब इतने श्रेष्ठ लोग अगर इनको मान लिया हमारे पीपल आर्ट्स सेक्टर, अगर ये सम्मानित नहीं करता, राज्यपाल यहाँ भी नहीं आए, तो भी आपका सम्मान कब थोड़ी ना है, आपका सम्मान तो वैसे बहुत अधिक है, लेकिन कभी कभी क्या लगता है कि भाई थोड़ा सा प्रोत्साहन हर किसी को चाहिए। और मैं अभी कह दूं कि वो संचालन करते अश्विनी जो है उसको लग रहा था लंबा भाषण देते रहो, अरे पर खूब लंबा आपकी तारीफ करते जाते हैं ना, और आपकी तारीफ तो सबकी जितनी की जाए उतनी कम है, एक दिन में तो एक ही तारीफ पूरी नहीं होगी, तो उसे ही नहीं लग रहा था कि राज्यपाल के पास समय कितना होता है, तो उसको ये लग रहा था कि भाई इतने में उसको रुकवा रहा हूँ, मैंने यू ऑल डिजर्व, और जो भी बोल रहे थे उससे अधिक आप डिजर्व करते हैं। लेकिन क्या है कि हम सब लोग समाज में काम करते हैं, अपने अपने प्रोफेशन में काम करते हैं, सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, जिस क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रभु की कृपा रहती है, और प्रभु की कृपा और उनके स्वयं के प्रयत्नों से वे अपना उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, वे एक प्रकार से बहुत बड़े सफल, एक सक्सेसफुल उसके रूप में सामने आते हैं अपने अपने फील्ड में, और सक्सेसफुल चाहे उद्योजक हो, चाहे संगीतज्ञ हो, चाहे आर्टिस्ट हो, कोई भी हो, तो वो सब उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो स्वाभाविक ही ये मनुष्य की इच्छा होती है कि वे कुछ करता है तो उसको कुछ लगना चाहिए। मैं कई बचपन में एक हमारे कई मैंने कहानी किसी साधु से सुनी थी, आप उसके साथ अपने को जोड़ना मत, है ना, लेकिन वो उस कहानी का दूसरा अर्थ जो आपको बताऊंगा, उस कहानी में क्या कि कोई बेचारी गरीब महिला थे, अब उसको कहीं से कोई अंगूठी सोने की मिल गई, अब उस चाहती थी कि लोग उसकी तारीफ करें, कुछ देखे उसको देखता ही नहीं था,
तो एक दिन तो आग लग गया वहां पर, तो उसने अपने मकान में आग लगा दी और ऊपर चढ़ गए। अरे आग लग गई, लगी कैसे आग लगी क्या, अंगूठी जाते दिखाए सामने, तो उसके लोगों को लगेगा इसके पास सोने की अंगूठी भी है। यानी वो गरीब से गरीब को भी लगता है कि उसकी किसी ने प्रशंसा करनी चाहिए कि आज उसके पास ये सोने की अंगूठी आ गई। मनुष्य का एक स्वभाव होता है। पशु पक्षी होते हैं, उनको भी जरा ठीक से पेटिंग कर दो, किसी से उनको पीठ थपथपा दो, तो वो भी अच्छा काम करते हैं। तो इसलिए समाज के अंदर आवश्यक है कि जो हमारे हर फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, समय समय पर यदि समाज उनका सम्मान करता है, यदि समाज उनको अवार्ड देता है, समाज सबके बीच में उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, तो स्वाभाविक है कि उनकी कला, उनके अंदर की उद्यमता, उनके अंदर का जो ज्ञान है, अभी इंटेलेक्चुअल क्या बोल रहे थे, बुद्धिमत्ता, कुछ इसका नाम बोला था, बुद्धिमत्ता कैसा बोला था ना, बुद्धिमत्ता किसी महिला का नाम लिया था, बताई का नाम, तो ऐसे जो लोग हैं ये सब भी क्या चाहे, सबका जो है वो उतना ही थोड़ा उनको प्रोत्साहन मिलता है कि देखो भाई आखिर हम काम कर रहे हैं, उस काम की रिकॉग्निशन मिल रही है। अब मुझे ध्यान था, मैं समाज में काम करता था, मुझे पॉलिटिक्स से कभी रुचि नहीं रही, तो मुझे लोग कहते थे अरे भगत सिंह जी आप काम करते हैं, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते। मैंने कहा मानो आई हैव नॉट इंटरेस्ट, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं समाज सेवा करता हूँ, स्कूल चलाऊंगा, अस्पताल खोलूंगा, ये अच्छा मुझे लगता। बोले नहीं नहीं नहीं, बोले देखो ना वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी वो मुझे इंस्टिगेट करते कि देखो भाई राजनीति में जाओगे तुम्हारा नाम होगा, बाद में छपेगा टीवी में आएगा। यानी अब ये क्या है कि समाज के लोग भी चाहते हैं कि भाई आखिर कहीं ना कहीं अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपका नाम होना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आपने अपने फील्ड में अच्छा काम किया, आज आपको सम्मानित किया गया है। मैं अपनी ओर से भी आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपसे ये विनती करता हूं कि हम सब भारत माता की संतान है और इस भारत माता का सम्मान कैसे बढ़े। हो सकता है आप लोग जितने बैठे हैं यहाँ पर वे सब ऊंचे कलाकार न हो, वे सब ऊंचे इंटरप्रेनर्स न हो, वे सब कोई बहुत अच्छे इस प्रकार के विशेषज्ञ या विद्वान भी न हो, लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ यदि हम अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाते हैं, अच्छी तरह से निभाते हैं, तो हम सब लोग एक प्रकार से माँ की सेवा करते हैं। हमें शायद मंच पर न बुलाया जाए, परंतु कहीं न कहीं मैं तो कहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए आए और ये भी आपका सम्मान है, और इस सम्मान के नाते से अगर मान लिया केवल इतने ही लोग आते जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं तो ये थोड़ी लगता कि भाई यहाँ कुछ हो रहा है। तो इसके माने है कि हम सब लोग इस सारे सम्मान के सहभागी हैं और हमारा एक प्रयास होना चाहिए, हम जिस जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जहां जहां भी हम काम कर रहे हैं, चाहे छोटा काम करें बड़ा काम करें, उसको लगन से करना चाहिए, परिश्रम से करना चाहिए, और करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से अब एक तबला वादक जी को आपने बुलाया, अब सभी तबला वादक उतना ही फर्स्ट क्लास आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु कुछ तो होगा ना, फर्स्ट क्लास नहीं आओगे सेकंड तो आओगे, सेकंड नहीं थर्ड तो आओगे, कुछ तो आओगे, अगर कुछ करोगे नहीं तो क्या होगा। इसलिए जो कला भगवान ने दे रखे है, जो टैलेंट हमको भगवान ने दे रखा है, कोई हर एक कोई भी टैलेंट भगवान ने देखा, हर एक को अलग अलग टैलेंट मिलता है, हर एक को अलग अलग गुण मिलता है, उस गुण का हम कितना विकास कर सकते हैं, किसको हम परिपक्वता की ओर ले जा सकते हैं, ये परम आवश्यक है। और उस दिशा में आप सब लोगों ने अच्छा काम किया और उस अच्छे काम के लिए, श्रेष्ठ काम के लिए, स्मरणीय काम के लिए आज के इस अवसर पर हमारे पीपुल्स आर्ट सेंटर ने स्वागत समारोह रखा। मैं पीपुल्स आर्ट सेंटर के पिल्लई जी का और मिस्टर शेट्टी सब लोगों का, इनकी टीम का भी अभिनंदन करता हूँ कि सचमुच अच्छे लोगों को पहचानना और उनके मंच पर लाना, उनको सामने जनता के सामने लाना, ये भी परम आवश्यक है। इसके कारण से लोगों का उत्साह बढ़ता है, प्रोत्साहन मिलता है, काम आगे बढ़ता है। आज देश को इस सब की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी बार बार इसी बात पर कहते हैं कि भाई देखो हमको आत्मनिर्भर होना है, तो आत्मनिर्भर केवल इंडस्ट्री या केवल कृषि क्षेत्र में नहीं है, अगर हम लोग खेल के मामले में भी आत्मनिर्भर हो जाए। अब अभी फुटबॉल वालों का यहाँ पर स्वागत किया गया, अब कभी कभी कितना खराब लगता है कि हमारे
इतना बड़ा देश है और ओलंपिक में मुश्किल से 7 अगर वो मिल गए, पदक मिल गया, तुमको बड़ा भारी लगता है कि हो गया। अगर हम इसमें हर फील्ड में हम कैसे अपना देश का सम्मान, आप केवल अपने ही आनंद नहीं ले रहे, आपके अच्छे काम से सारे देश का सम्मान बढ़ता है, देश का दुनिया में देश का नाम ऊंचा होता है। इसलिए उस दिशा में हम सब लोग और प्रयत्न करेंगे, अपनी प्रतिभा को और निखारेंगे, ताकि देश और दुनिया के सामने आप सब अपना अपने परिवार का और इस देश का नाम ऊंचा कर सके। मेरी शुभकामना आपके साथ है। मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और कमेटी वालों को मैं संगठन को अपनी ओर से बहुत आभार प्रदर्शन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र राज्याचे माननीय राज्यपाल माननीय श्री भगतसिंह कोश्यारी साहेब, त्याचबरोबर सभागृहातील सर्व मान्यवरांचे मी मनापासून आभार मानते आणि सुखूल काही झाली असेल तर द्यावी घ्यावी अशी विनंती करते। आणि या सोहळ्याचा ये तो करीब 2 साल पहले हम लोगों ने ये उपक्रम शुरू किया था, लेकिन इसके अंदर से हम लोगों ने जो लोगों को चुना गया था उसमें से करीब 10 लोग नहीं आए, बाकी सब लोग आ गए। 40 लोग आज हाजिर थे, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम नहीं सोचे थे, क्योंकि कल भी हमारे ऊपर इतनी प्रेशर था यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से, 100 लोगों से ज़्यादा लोगों को रखे आप प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने उनको बताया ऐसा कोई आदेश सरकार की तरफ से नहीं, केंद्रीय सरकार से तरफ से भी नहीं, से राज्य सरकार की तरफ से भी नहीं। जो भी बंद नाट्यगृह है वो नाट्यगृह के अंदर 50% ऑडियंस को रख के प्रोग्राम कर सकता है, और एक सीट छोड़कर एक सीट में हम ऑडियंस को बिठा सकता है, उस हिसाब से हम लोगों ने बात किए थे। लेकिन उसके बाद फिर पुलिस को भी हम लोगों ने समझाया ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं, ये प्योरली एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो कल्चरल प्रोग्राम है, और इसके वजह से आप लोग इनके हमारे साथ देना चाहिए। हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ये सब प्रोग्राम किया है। आज बहुत बड़ी खुशी की दिन ऐसा है कि इतने लोग आ गए, हमें बहुत तकलीफ उठाई है, उसमें आर्थिक संघर्ष है और दूसरे यहाँ से अफवाह उड़ते हैं आज कार्यक्रम नहीं होएगा, और इतने सब कुछ अपने खिलाफ के एक वातावरण होते हुए भी ये प्रोग्राम अच्छी तरह से हम लोग कर पाया, इतने में हम लोग बहुत खुश हूँ। सर आज संगीत के पद्मश्री विश्वेश पाटकर जी को अवार्ड मिला, लता मंगेशकर जी को, रोनी अटंगी जी को, और बहुत सारे लोग संगीत से जुड़े हुए थे, तो ऐसे में मतलब सिलेक्शन करने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? ये सिलेक्शन ऐसा है कि मैं पिछले 42 साल से कला सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रोग्राम करते हैं, इसमें मैं सिर्फ हिंदी नहीं, मराठी नहीं, साउथ इंडियन भाषा में तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा, बाकी सभी भाषाओं में मैं प्रोग्राम आयोजित करता है। तो इसके अलावा दूसरा ऐसा है कि आपने अभी जो नाम लिया उषा मंगेशकर, सुरेश वाडकर और आशा खाडिलकर जो शास्त्रीय गायिका है, इनके अलावा एक बहुत बड़े मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर है हम उपस्थित हैं, अशोक पटकी। अशोक पटकी साहब का पहचान, अशोक पटकी का नाम बोलने से कोई पहचानते नहीं है अशोक सर, लेकिन आइए अशोक सर, लेकिन उसमें अशोक पटकी साहब का पहचान ऐसा है कि कोई अगर पूछेगा इनके बोलिएगा। अभी देखिए इस दूरदर्शन में एक बहुत बड़े म्यूजिक दा ये अपनी ये था, उनकी म्यूजिक आज पूरे भारत में लहराया गया। वो गाना ऐसा है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, मैं कोई गायक नहीं, मैं कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, लेकिन उसमें से वो मशहूर है। अभी अशोक पटकी साहब को बुलाने का कारण वही था, दूसरा कुछ नहीं। आइए आपका ही तारीफ कर रहा है। विभिन्न क्षेत्र से लोग आए और आपके यहाँ पे कार्यक्रम में भाग लिए, लोगों को अवार्ड से नवाजा गया, उनको सम्मान मिला, इसका मतलब ऐसा है कि हम लोग पिछले 40 सालों से राष्ट्रीय एकात्मता के लिए काम कर रहे हैं, नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा है कि हमें किसी क्षेत्र से जुड़े नहीं,
अभी पत्रकार, पत्रकार में भी हमारा ये था, कुमार केडकर साहब है दिल्ली में है, उसके लिए वो नहीं आ पाया। और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में राजीव खांडेकर, उन्होंने उनका नुमाइंदा भेजा गया। वैसा नहीं कि अभी क्षेत्र जो किसानों से लेकर हम वैज्ञानिक तक का क्षेत्रों से लोगों को लिया, ऐसा किसी क्षेत्र हमने छोड़ा नहीं है। लेकिन और भी छूट गया हो तो आगे प्रोग्राम में हम लोग ये करेंगे, ऐसे नहीं है। अभी हमारा मार्च 27 तारीख को एक कार्यक्रम आ रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, वो तो बहुत बड़े नेशनल लेवल में हम लोग कर रहे हैं। उसमें भारत के अंदर के अभी इसी में हम लोगों ने सिर्फ महाराष्ट्रीयन लोगों को ही सत्कार में शामिल किया गया, लेकिन उसमें हम देश भर के लोगों को लेंगे और वो एक अलग रवैये से वो प्रोग्राम आयोजित करेंगे। अशोक जी, सर आप, अशोक जी आपको आज ये अवार्ड से नवाजा गया है और राज्यपाल जी के हाथों आपको सम्माना, आपको तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, लेकिन जिस आपने मिले सुर मेरा तुम्हारा और इतने 5000 से ज़्यादा राष्ट्रीय एकात्मकता का गाना था वो जी, और पहले से कर नहीं अच्छा लगा। आज हीरक महोत्सवी अवार्ड मिला है और पिल्ले सबका बहुत शुक्र गुजार हूँ कि इतना बड़ा काम कर रहे हो, और अच्छा लगा। मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट आए थे आज, सबको अवार्ड मिला अपना राज्यपाल के हाथों से, तो अच्छा लगा। और ऐसा ही मिलना चाहिए तो आर्टिस्ट को कुछ करने की उम्मीद बढ़ती है। अवार्ड से तो हमेशा प्रोत्साहन ही मिलता है, क्योंकि जो आप काम करते हो उसकी वो एक तरह से दाद होती है। और पीपल्स थिएटर वाले ये मेरे ख्याल में पी रविंद्रन जी, पी के रविंद्रन जो नेहरू सेंटर में थे, या उनको भी मैं अच्छी तरह से पहचानती थी। तो इन्होंने जो ये काम किया है, और 1000 से ऊपर इनके ऐसे इवेंट्स हुए हैं, और बहुत अच्छा इवेंट हुआ है। और सराहना किसको अच्छी नहीं लगती, और मुझे भी अच्छी लगती है। और ये जो ट्रॉफी है वो मेरे ड्राइंग रूम में मध्यम स्थान जो होता है सेंटर में रहेगी मेरे ड्राइंग रूम में, और बहुत अच्छा लगा। अब क्या कहूँ मैं, और कुछ कह नहीं सकती, लेकिन अगर हम लोग जल्द देखेंगे जी, हाँ देखते तो रहेंगे, जब तक हूँ तब तक आप देखते रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने कोई रिटायरमेंट की सोची हो, और कलाकार को रिटायरमेंट होती नहीं है। और अगर काम नहीं कर सकी तो बैक स्टेज भी करूँगी, लेकिन कुछ तो करूँगी ही थिएटर में। और बहुत अच्छा लग रहा है, और क्या कहूँ। और इससे अगर ऐसे अभी कोश्यारी जी ने कहा कि इंस्पिरेशन मिलता है, अगर वहाँ पे उनको मिला है तो मैं भी कभी ऐसा अवार्ड जीतूँगा, ऐसा अगर किसी ने सोचा तो ये हमारी भी जीत है, उनकी भी जीत होगी। धन्यवाद। नया साल आ रहा है, नए साल की विश दे सारे दर्शकों को। नया साल अभी 5 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है नए साल के लिए। और नए साल में हमेशा हम एक कोई चीज़ पकड़ के चलते हैं कि ये करेंगे। अब इस साल तो वो करना ही है, हमेशा ये होता है कि हम डिसाइड करते हैं और कुछ करते नहीं हैं, लेकिन इस साल तो वो करना है, ऐसा ही हम डिसाइड करें तो अच्छा है कि जो सोचेंगे वो करके दिखाएंगे और करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मैं 84 में बालचंद्र मेनन के साथ में आपको